दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेरा। ऊना में आग की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने प्रवासी लोगों को जागरूक करने के लिए मुहिम छेड़ी है। झुग्गियों में आग ना लगे इसके प्रति जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कोऑर्डिनेटर सुमन चाहल व अग्निशमन अधिकारी ऊना जोगिंदर सिंह पर आधारित टीम का गठन किया गया है। इस दौरान ऊना शहर के साथ लगती प्रवासी मजदूरों की झुग्गियों में जाकर लोगों को जागरूक किया गया। ये अभियान 28 अप्रैल तक चलेगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ऊना द्वारा अग्निशमन विभाग के सहयोग से झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि झुग्गी झोपड़ी में बहुत ज़्यादा आग लग रही है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इस तरह के नुकसान या इस तरह की आग की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जो है वो प्रशासन की तरफ से विशेष कदम उठाए जा रहे हैं और झुग्गी झोपड़ियों में जा करके उनको अब इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है। आग से होने वाले नुकसान के बारे में, इससे कैसे बचाव करना है, इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है। और जो अभी हमने प्रथम सप्ताह में सबसे ज़्यादा जहाँ पे पॉपुलेशन है, ज़्यादा जहाँ पे झुग्गियाँ हैं उनको चिन्हित किया हुआ है, तो वहाँ पे जाके हम इसका अवेयरनेस जो है वो कैंप कर रहे हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से MK जसवाल की रिपोर्ट। प्रकृति की गोद में बसे जिला ऊना के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान DDM कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेरा अपर में बी फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। कॉलेज चेयरपर्सन चंचला देवी ने बताया कि मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से प्लस टू मेडिकल अथवा नॉन मेडिकल में पास विद्यार्थियों हेतु बी फार्मेसी में डिग्री एवं डिप्लोमा के लिए 60-60 सीट का प्रावधान है, जिसके लिए सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के 10 प्लस टू में 45% अंक और ST/ST विद्यार्थियों के लिए 40% अंक अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि 2009 में स्थापित DDM कॉलेज ऑफ फार्मेसी हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय एवं PCI से अप्रूव्ड है। इसमें अत्याधुनिक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट रूम, लैब्स, मशीन रूम, लाइब्रेरी, क्लासरूम्स, प्लेग्राउंड के अलावा अनुभवी एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है। यही वजह है कि DDM में पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों की सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र की फार्मा कंपनियों एवं अस्पतालों में प्लेसमेंट की राह आसान हो रही है, जबकि PG डिग्री के बाद नामी शिक्षण संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा DDM स्कूल में नर्सरी से लेकर 10+2 तक दाखिला प्रक्रिया भी जारी है। ज्यादा जानकारी हेतु एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।